Hello guys, welcome to the new session of Learn Phatafat. How are you guys? Yes, what's up? Hi Kitishri, good afternoon Kitishri. Okay Kitishri, अगर आपको मुझसे बात करनी है, directly interact करना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप Play Store पे जाओ और Learn Phatafat Learning app अभी download करो. ठीक है, लर्न फटाफट लर्निंग ऐप में बहुत सारे फीचर्स है जहाँ पे इंटरेक्शन का भी फीचर है, जैसे कि आप मुझसे डायरेक्टली कन्वे कर सकते हो, डायरेक्टली अपनी बात मेरे पास पहुँचा सकते हो और मैं भी वहाँ पर आपके साथ बात कर सकती हूँ. ओके, सो अगर अभी तक गाइस आप लोगों ने लर्न फटाफट लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए. वहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, वहाँ पर टेस्ट है, क्विज है और वहाँ पे असाइनमेंट्स रेगुलरली सबमिट होते हैं, वन टू वन ट्यूशन है, लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं और एनिमेटेड वीडियो क्लिप्स हैं और मेन जो आपको चाहिए मतलब डायरेक्टली इंटरेक्ट करना, राइट, जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है कि हमें टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है, तो वो भी फीचर वहाँ पे है. तो आप जल्द से जल्द लर्न फटाफट लर्निंग ऐप डाउनलोड करो. यस, सो टेल मी हाउ आर यू गाइस. यस ओके, यस, व्हाट हैपेंड कितिश्री, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो. यस ओके, सो हमने क्या किया है अब तक, ग्रेड सेवन के दो चैप्टर्स, राइट, फर्स्ट चैप्टर दैट वाज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और सेकंड चैप्टर दैट वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये दोनों कंप्लीट किए हैं, साथ ही साथ इनके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए हैं. आज हम चैप्टर थर्ड, ठीक है, चैप्टर थर्ड की बात करने वाले हैं जो है फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है ओके कितिश्री, पर वहां पे एनिमेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप साइट पे विजिट कर सकते हो. ठीक है, आप साइट पे विजिट कर सकते हो और वहां पर भी आपको एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां पे देख सकते हो कि क्या क्या थिंग्स अवेलेबल हैं, क्या क्या थिंग्स अवेलेबल नहीं है. और लर्न फटाफट लर्निंग ऐप में दूसरे भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो. तो डाउनलोड करके एक बार देख तो लो क्या है क्या नहीं है. ठीक है, हेलो के चरण, वरमाला, श्री गायत्री, मैम एंटर द क्लास स्टार्ट, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट हुई है. ठीक है ओके, हाय अभिषेक, हाय, हाउ आर यू अभिषेक. यस एंड हाउ इज एवरीवन, किसी ने भी बताया नहीं कि मैं ठीक हूँ, कैसा हूँ, किसी ने नहीं बताया. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक, दैट इज चैप्टर थ्री ऑफ ग्रेड सेवन साइंस. ठीक है, तो फाइबर टू फैब्रिक यानी कि फाइबर एक छोटा सा एलिमेंट जिससे थ्रेड बनता है ना, फाइबर से थ्रेड बनता है और थ्रेड से फैब्रिक बनता है, ये हमने क्लास सिक्स में सीखा है, राइट, क्लास सिक्स में भी था चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हमने एनिमल फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, राइट, कॉटन एंड जूट, लास्ट ईयर हमने कॉटन जूट के बारे में पढ़ा, इस ईयर हम क्या करेंगे, इस ईयर हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो चैप्टर्स है ये फाइव सेक्शंस में यानी फाइव टॉपिक्स में डिवाइडेड है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल फाइबर वूल है फर्स्ट, सेकेंड टॉपिक इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी क्या, यानी कि शीप को पाला कैसे जाता है और उसकी ब्रीडिंग यानी उनका उनका जो मल्टीप्लिकेशन है यानी उनका नंबर कैसे इंक्रीज किया जाता है. ठीक है, फिर थर्ड है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, यानी कि जो वूल है कैसे बनता है, ये हमें थर्ड सेशन में पता चलेगा. फोर्थ सेशन में फॉर्मेशन ऑफ सिल्क फाइबर पता चलेगा. यस मैम, लाइक यस 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 अभिषेक, सिल्क वॉर्म जो है वो ककून बनाता है और ककून से सिल्क मिलता है. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन फॉर्मेशन ऑफ सिल्क फाइबर. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सिल्क वॉर्म, इट्स ककून एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट इन सेक्शन फोर एंड सेक्शन फाइव, दैट इज ककून टू सिल्क फाइबर एंड सेरिकल्चर. व्हाट इज सेरिकल्चर, सेरिकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म्स को ग्रो करना, सिल्क वर्म्स को पालने को ही हम बोलते हैं सेरिकल्चर. तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है एनिमल फाइबर वूल. ओके फाइन, सब लोग ठीक हैं, नाइस. सो लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा था, राइट, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से क्या बनता है, यार्न से बनता है फैब्रिक. क्या ये सबको पता है, क्या सबको याद है कि फाइबर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कॉटन, कॉटन के फाइबर्स को एक साथ स्पिन किया जाता है स्पिनिंग की प्रोसेस के थ्रू और फिर उससे बनता है यार्न,
लेट मी राइट इट हियर। ओके, फाइबर्स होते हैं बहुत से छोटे छोटे, इनको एक साथ स्पिन किया जाता है स्पिनिंग की प्रोसेस के थ्रू, जिससे मिलता है हमें यार्न। ठीक है, फिर यार्न को वीविंग की प्रोसेस के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल कॉटन को, दो यार्न्स को, फॉर एग्जाम्पल ब्लू और यहाँ पे वाइट है, इन दोनों को एक साथ लाने के लिए ऐसा पैटर्न अरेंज किया जाएगा, राइट? दो थ्रेड्स को एक साथ अरेंज किया जाएगा जिसे हम वीविंग बोलेंगे, जिससे मिलेगा फैब्रिक। ये हमने सीखा था क्लास सिक्स में, और क्लास सिक्स में हमने ये भी सीखा था कि फाइबर्स मेनली दो टाइप के हैं। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, विच आर दोस? कैन एनिमल टेल मी दैट व्हाट आर द मेन टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर? मैम हमारे स्कूल में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो भी ओके ओके अभिषेक ओके, इससे क्या होगा आपका रिविजन हो जाएगा और टॉपिक और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस, सो नाउ टेल मी व्हाट आर दी टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स, टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यस, कैन एनी वन टेल मी? सो लेट मी टेल यू, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, दो मेन टाइप के फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। अभी नेचुरल फाइबर्स के भी दो टाइप्स हैं, ठीक है, दो टाइप्स कौन से? प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, वूल, सिल्क। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स नायलॉन, रेयन, राइट, पॉलीएक्रिलिक, जो ये एग्जाम्पल्स हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स के हैं। सिंथेटिक फाइबर्स यानी ऐसे फाइबर्स जो मैनमेड फाइबर्स हैं। ठीक है, सो आज जो हमारा लास्ट सेशन था, मतलब जो क्लास सिक्स में लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था, उसमें हमने प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। इस सेशन में यानी इस चैप्टर में हम लोग एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और आज हम बेसिकली वूल के बारे में बात करने वाले हैं, राइट? जैसे जूट और कॉटन प्लांट फाइबर है, वैसे सिल्क और वूल ये हमें एनिमल से मिलते हैं, दैट्स व्हाई दीज बोथ आर एनिमल फाइबर्स। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट टुडेज मेन टॉपिक, दैट इज वूल। ठीक है, सो कैन एनीवन टेल मी कि हमें वूल कहां से मिलता है? यस, वूल एंड सिल्क, यस यस मॉन्स्टर, यस अभिषेक, वूल एंड सिल्क, यू आर राइट। सो वूल हमें कहां से मिलता है? वूल हमें मिलता है शीप से, वेरी गुड। तो शीप का कौन सा ऑर्गन? फ्लीस। अभी फ्लीस क्या है? डू यू नो दैट व्हाट इज फ्लीस? द आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी शीप की, उस पे बहुत सारे हेयर्स होंगे। ओके, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ शीप विल हैव मेनी हेयर्स, राइट? ये जो हेयर्स हैं और जो उसकी ऊपर की स्किन है, उससे हम बोलते हैं फ्लीस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन ऑफ शीप इज कॉल्ड फ्लीस। ठीक है, जो सबसे बाहर की ऊपरी लेयर होती है स्किन की, उसे फ्लीस कहते हैं। सो क्या आपने कभी सोचा है कि एनिमल्स को, शीप को इतने सारे बाल क्यों हैं? व्हाई डू दी शीप हैज सो मेनी हेयर्स? यस, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस हेयर्स? कैन यू टेल मी? नो, लेट मी टेल यू। जो हेयर्स हैं, राइट, दीज हेयर्स क्या करते हैं? ये हेयर्स, दीज हेयर्स प्रोटेक्ट शीप फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, ये हेयर्स क्या करते हैं? ये हेयर्स शीप को कोल्ड से बचाते हैं। कैसे? लेट मी टेल यू। जो ये हेयर्स हैं, ठीक है, ये हेयर्स क्या करते हैं? जो एयर है उसे पकड़ के रखते हैं, ट्रैप करके रखते हैं। यानी बहुत सारे हेयर्स होंगे जिस एनिमल पे, उस हेयर्स में क्या होता है, उस हेयर्स में जो एयर है वो ट्रैप होती है, यानी उसके अंदर पकड़ लेते हैं वो हेयर्स क्या करते हैं, अपने अंदर एयर को पकड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो एनिमल के अंदर की हीट है बॉडी की, वो बाहर नहीं जाती, और बाहर की जो एयर है, ठीक है, बाहर की जो एयर है वो एनिमल की बॉडी के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एनिमल की हीट है वो बाहर नहीं जाएगी, वो एनिमल के पास ही होगी, इसीलिए एनिमल को वार्म फील होगा। दिस एनिमल विल फील वार्म इवन इन द कोल्ड कंडीशन, है ना, ठंडियों में भी इसे ज्यादा ठंडी नहीं लगेगी। व्हाई? बिकॉज इट हैज मेनी हेयर्स, और ये जो हेयर्स हैं, दीज हेयर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ
एयर, ठीक है, हमेशा याद रखना, दीज हेयर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ एयर. बैड कंडक्टर यानी ये अपने से एयर को पास नहीं होने देते. फॉर एग्जाम्पल ये हेयर्स है, यहां से जो एयर आएगी वो उसे पास नहीं होने देंगे, वो उसे उधर ही रोक लेंगे और यहाँ पे एयर पास नहीं होगी. इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ये हेयर हैं ये बैड कंडक्टर हैं एयर के. साथ ही साथ इसीलिए हम क्या करते हैं, ये बैड कंडक्टर हैं एयर के, इसीलिए हम इन हेयर से वूल बनाते हैं और यही वूल हम स्वेटर, सॉक्स, ग्लव्स, जो हमारे हेड पे कैप्स होती है उसे बनाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, येस, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. ठीक है, अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए ये इनके पास हेयर्स होते हैं. वेरी गुड अभिषेक, येस. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप सेशन में, चैट में, बीच में पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर हेयर्स, है ना, शीप पर हेयर्स होते कैसे हैं. तो शीप की स्किन पे मेनली दो टाइप्स के हेयर्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से, एक बहुत लंबे हेयर्स होते हैं. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ बहुत लंबे हेयर्स हैं और कुछ बहुत छोटे हेयर्स हैं. ठीक है, सो जो बड़े हेयर्स हैं उन्हें कहा जाता है कोर्स बेयर्ड हेयर, और जो छोटे हेयर्स हैं उन्हें कहा जाता है फाइन अंडर हेयर्स. सो शीप हैज मेनली टू टाइप्स ऑफ हेयर्स. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ हेयर्स जो लंबे हैं, लंबे एज वेल एज रफ. ओके, दी लॉन्ग एंड रफ. और ये कौन से होंगे, ये शॉर्ट होंगे एंड स्मूथ होंगे. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दी कोर्स बेड हेयर आर रफ एंड लॉन्ग एंड दी फाइन अंडर हेयर्स आर शॉर्ट एंड स्मूथ. ठीक है, तो शीप को दो टाइप्स के हेयर्स हैं. सो आप मुझे बताइए, डू वी ह्यूमंस, राइट, डू वी ह्यूमंस ऑल्सो हैव टू टाइप्स ऑफ हेयर्स, यस, क्या हमारे पास भी दो टाइप के हेयर्स हैं, यस, यस और नो. ओके ओके अभिषेक, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ह्यूमंस के पास भी दो टाइप के हेयर्स हैं, यस, कैसे, यस, कैन यू एक्सप्लेन मी. ओके, सो लेट मी टेल यू, हेयर्स दो टाइप के होते हैं. ठीक है, एक हमारी बॉडी पे होते हैं, बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दोज हेयर्स आर शॉर्ट, राइट, वो शॉर्ट होते हैं. और जो हमारे स्कैल्प पे बाल होते हैं, जो हमारे सर पे है, स्कैल्प पे यानी हमारे सर पे जो बाल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं. तो अगर आप अपने हाथों पर और अपने सर के बालों पर हाथ लगा के फील करोगे तो आपको दो अलग अलग टाइप के हेयर्स फील होंगे, और दोनों का जो टच है, मतलब दोनों का जो स्मूथनेस है, रफनेस है, वो अलग अलग फील होगा. सो वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव टू टाइप्स ऑफ एयर हेयर. सिमिलरली शी, है ना, सिमिलरली ह्यूमन्स की तरह शीप के भी पास दो टाइप के हेयर्स हैं. ठीक है, कोर्स बेड है एंड फाइन अंडर हेयर्स. पर ये दोनों टाइप के हेयर्स यूज नहीं होते वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए. दीज फाइन अंडर हेयर्स आर यूज टू मेक वूल. ठीक है, जो वूल होगा उसके लिए यूजफुल हेयर्स कौन से हैं, उसके लिए यूजफुल हेयर्स है फाइन अंडर हेयर्स, यानी जो शॉर्ट होंगे और स्मूथ होंगे उससे हम बनाएंगे वूल. ठीक है, यस, बॉडी हेयर एंड हेड हेयर. वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड. सो अभी जैसे हमने देखा क्या कि फाइन अंडर हेयर से वूल बनती है. तो एनवायरनमेंट में, यानी हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी शीप की ब्रीड्स हैं, यानी कुछ ऐसी शीप्स हैं, ब्रीड यानी क्या, उनकी एक प्रजाति, एक स्पीशीज बोल सकते हैं. ठीक है, प्रजाति यानी एक स्पीशीज बोल सकते हैं शीप की. तो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं शीप की जिसके पास सिर्फ और सिर्फ छोटे हेयर्स हैं, यानी उनके पास सिर्फ फाइन अंडर हेयर्स हैं. ठीक है, इन इन शीप्स के पास फाइन अंडर हेयर्स हैं. तो जो शीप पालते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे दो पेरेंट सिलेक्ट करते हैं, ऐसे दो पेरेंट लेंगे जिनके पास सिर्फ फाइन अंडर हेयर्स हैं. ठीक है, अब ऐसा पेरेंट जिसके पास फाइन अंडर हेयर है, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होना होगा, यानी उसका जो बेबी शीप होगा, राइट, बेबी शीप पर भी जो बाल होंगे वो कैसे होंगे, फाइन अंडर हेयर्स. क्यों, क्योंकि दोनों पेरेंट्स, मम्मी और पापा, बोथ शीप्स हैव दी फाइन अंडर हेयर्स, इसीलिए जो उनका बेबी होगा उनका भी कैसे होंगे हेयर्स, उनके भी हेयर्स फाइन अंडर हेयर्स होंगे. तो इस प्रोसेस में शेपर्ड ने, यानी उस पर्सन ने क्या किया,
उस पर्सन ने दो स्पीशीज ऐसे ली शीप की जिसके पास फाइन अंडर है से, यानी उसने दो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, राइट, उसने दो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया और जो उसे ऑफस्प्रिंग मिला, ऑफस्प्रिंग यानी लेट मी टेल यू साइंस में, ठीक है, जो पेरेंट्स है उसे पेरेंट्स कहा जाता है, पर जो बेबी होता है, ठीक है, जो बेबी होगा उसे ऑफस्प्रिंग कहा जाता है. सो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बेबी होगा, उसमें भी डिजायर्ड कैरेक्टर, डिजायर्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी क्या, यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल आय का कलर, आय का कलर एक कैरेक्टर है, लॉन्ग हेयर्स एक कैरेक्टर है, वैसे ही फाइन अंडर हेयर्स कैरेक्टर है, स्किन का कलर भी कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनके बालों का कलर व्हाइट है, सो ये जो व्हाइट कलर है ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है. तो कैरेक्टर यानी क्या, जो भी हमें उसके बाहर के फीचर्स दिख रहे हैं, राइट, जो भी सानिया अख्तर नो नो ओ गॉड ओके. सो व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट, आई वाज टॉकिंग अबाउट जो एक्सटर्नल फीचर्स होंगे पर्सन के या फिर किसी भी एनिमल के, उसे हम कैरेक्टर बोलते हैं. हमेशा याद रखना, आपको आगे के क्लासेस में ये और भी ज्यादा क्लियर होगा, बट लेट मी टेल यू. अभी आप बोलोगे कैरेक्टर क्या, तो जैसे आई का कलर कैरेक्टर है, स्किन कलर इज कैरेक्टर, हेयर कलर इज कैरेक्टर, सो ऑल द थिंग्स दैट वी कैन सी, all the features that we can see in an human being or in an animal, those features are called characters. ठीक है, तो यहाँ पे character कौन सा है, यहाँ पे character है fine under hairs का, ठीक है, fine under hairs का character है. तो यहाँ पे इस process को, यानी parents को select करने की process को और एक desired offspring लेने की process को क्या कहा जाता है, this process is called what, selective breeding. ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी कि पेरेंट्स को सिलेक्ट किया और जो हमें ब्रीड मिला, यानी जो स्पीशीज मिली उस शीप की, वो हमारे सिलेक्शन की है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग. ओके, इज इट क्लियर, क्या आपको सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्लियर हुआ? यस, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैम एक्सप्लेन अगेन. ओके ओके, देखो यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है रामू. रामू को क्या चाहिए, रामू को चाहिए कि उसे ज्यादा ज्यादा वूल मिले, राइट. रामू वॉन्ट्स दैट उसके पास जो वूल हो वो ज्यादा अमाउंट में आए. तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है जो शीप है, ठीक है, इसके लिए जरूरी है जो शीप है उसके पास सिर्फ और सिर्फ फाइन अंडर हेयर्स होंगे तो उसे मोर अमाउंट यानी ज्यादा अमाउंट का वूल मिलेगा, राइट. सो इसके लिए रामू ने क्या किया, रामू ने ऐसे पेरेंट्स सिलेक्ट किए, ऐसे पेरेंट्स सिलेक्ट किए जिसमें मदर, जो मदर शीप है उसके पास भी फाइन अंडर हेयर्स है और जो फादर शीप है उसके पास भी फाइन अंडर हेयर्स है. यानी रामू ने दो शीप सिलेक्ट की, ठीक है, और उनका साथ में ब्रीडिंग करवाया, ठीक है, ब्रीडिंग करवाया यानी क्या, एक ऑफस्प्रिंग मिला उनसे, एक ऑफस्प्रिंग मिला यानी ऑफस्प्रिंग अगर साइंस में हम कहेंगे तो ऑफस्प्रिंग यानी क्या, ऑफस्प्रिंग यानी बेबी, ठीक है, जो बेबी मिलेगा, जो बेबी आएगा उसे हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ पे जो बेबी आएगा, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आएगा शीप का, वो उसके पास भी क्या होंगे, उसके पास भी फाइन अंडर हेयर्स होंगे. वाई, बिकॉज बोथ मदर एंड फादर हैज फाइन अंडर हेयर्स, दैट्स वाई इट्स बेबी विल ऑल्सो हैव फाइन अंडर हेयर्स. तो इस प्रोसेस को यानी सिलेक्ट करके, दो पेरेंट्स को सिलेक्ट करके उनकी ब्रीडिंग करवाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग. ओके, यस, क्वेश्चन आंसर्स भी रखने वाले हैं सानिया, ठीक है, सानिया हम क्वेश्चन आंसर्स भी रखने वाले हैं. अब तो हमने ऐसा किया कि हर एक सेशन के बाद थोड़े दो तीन क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने ही वाले हैं हम, ठीक है. ओके ओके अभिषेक, क्लियर है तो वेरी गुड. यस, सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग से क्या होता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स मिलते हैं, है ना. कैरेक्टर्स मतलब क्या, कैरेक्टर्स मतलब, लेट मी टेल यू, कैरेक्टर्स मतलब एक्सटर्नल फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल फीचर्स, अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो शीप है उसकी आईज ब्लैक कलर है, सो दिस ब्लैक कलर इज फीचर, और आई कैन से दिस ब्लैक कलर इज कैरेक्टर. सिमिलरली यहाँ पे इस इनके हेयर्स का व्हाइट कलर है, सो दिस व्हाइट कलर इज ऑल्सो एन कैरेक्टर. ये फाइन अंडर है, ये भी कैरेक्टर है ना. तो जो भी हमें एक्सटर्नल फीचर्स दिख रहे हैं किसी पर्सन के,
उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर। ठीक है, ये आपको आगे की क्लासेस में और भी डिटेल में है, पर अभी नहीं है इतना। ओके, सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग से क्या होता है, हमें मोर अमाउंट का वूल मिलता है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्या वूल हमें सिर्फ और सिर्फ शीप से मिलता है? यस मैम, वेयर आर यू लाइंग सानिया अख्तर? वॉट डू यू मीन सानिया, मुझे आपका क्वेश्चन समझा नहीं। वेयर आर यू लाइव मीन्स, मैम यू टेल क्वेश्चन एंड आंसर। यस यस, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, पर उसके उससे पहले जो कंसेप्ट है वो भी समझाना इंपॉर्टेंट है ना, पोर्शन पूरा कंप्लीट करना चाहिए हमें, है ना। ओके मैम, आप कहाँ रहती हो? मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ सानिया। ओके वेरी गुड, गोट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वूल एज वेल एज याक। वेरी गुड अभिषेक, नाइस। याक से टिबेट, ठीक है, टिबेट एक कंट्री है और इंडिया में लद्दाख, ठीक है, टिबेट एक कंट्री है तिबेट में और लद्दाख, लद्दाख जो इंडिया में है, यहाँ पर लोग जो है याक, याक एक एनिमल है जिसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है। सो ये एनिमल भी यूज होता है वूल बनाने के लिए। सिमिलरली कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में अंगोरा गोट्स, ठीक है, अंगोरा गोट्स एक गोट की स्पीशीज है, गोट स्पीशीज यानी टाइप, है ना, स्पीशीज यानी एक टाइप। तो अंगोरा गोट्स से अंगोरा वूल बनाया जाता है, ऐसा वूल जो अंगोरा गोट से मिलेगा उसे अंगोरा वूल कहा जाता है। सिमिलरली कुछ दूसरी शीप्स, या फिर दूसरी कोई गोट्स भी हैं, जिसे हम कश्मीरी गोट बोलते हैं या फिर पश्मीना गोट, भी एक टाइप का गोट है, जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें पश्मीना शॉल्स मिलते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये जो ये है कश्मीरी गोट है, इन्हें ग्रो होने के लिए बहुत कोल्ड रीजन चाहिए होता है। दीज गोट्स रिक्वायर वेरी कोल्ड रीजन टू ग्रो, इसीलिए ये जो गोट्स हैं ये सिर्फ कोल्ड एरियाज में पाई जाती हैं, और इनका जो वूल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और इनसे जो वूल मिलता है उसे पश्मीना वूल कहते हैं, जिससे पश्मीना शॉल बनती है। एंड पश्मीना शॉल इज वेरी एक्सपेंसिव गाइस, ठीक है, और ये बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। हम दो सिस्टर्स हैं सानिया, ओके ओके सानिया, ठीक है, ओके। सो जैसे याक गोट से, याक और गोट से वूल बनाया जाता है, उसी तरह साउथ अमेरिका में दो एनिमल्स हैं, ओके। इन साउथ अमेरिका देर आर टू एनिमल्स, लियामा एंड अल्पाका, ठीक है, कौन से एनिमल्स हैं? लियामा एंड अल्पाका, इनसे क्या बनता है, इनसे वूल बनाया जाता है। लियामा एंड अल्पाका आर यूज टू मेक वूल। सिमिलरली अंगोरा रैबिट इज ऑल्सो एनिमल, अंगोरा रैबिट भी एक ऐसा एनिमल है जिससे हमें वूल मिलती है, ठीक है। सो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं विच एनिमल्स, ठीक है, विच एनिमल्स आर यूज्ड टू मेक वूल। तो वहां पे आपको जो भी अभी मैंने बताया आपको कि कौन से एनिमल्स यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ल्यामा, अल्पाका, अंगोरा रैबिट, अंगोरा गोट, कश्मीरी गोट, याक, ठीक है, ये सब बताना है। सिमिलरली कहीं कहीं पे कैमल, ठीक है, कहीं कहीं पे कैमल से भी वूल बनाया जाता है, बट दिस इज वेरी रेयर केस, ठीक है, बहुत रेयरली होता है। ज्यादातर जो एनिमल्स आपको यहाँ पे बताए हैं वही एनिमल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो चलो अभी कुछ, इट्स ल्यामा, यस ल्यामा जितेंद्र, ओके वहां, ओके जितेंद्र, वहां पे एल बड़ा था ऑन दैट स्क्रीन, लेट मी गो ऑन दैट स्क्रीन फर्स्ट, यस। सो यहां पे क्या किया है हमने, यहां पे एल को कैपिटल लिखा है और जो दूसरा एल है उसे स्मॉल लिखा है, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना हम, ऐसा नहीं लिखा है हमने, ओके। ये जो आगे के लेटर्स हैं उन्हें छोटा लिखा है और इसको से बड़ा लिखा है, सो इसका स्पेलिंग इज राइट, ओके जितेंद्र, ओके। हाय मैम, ओके अमरिन, हाय अमरिन, अगर आपको सब समझ में आ रहा है सो इट इज वेरी नाइस थिंग, मेरे लिए भी अच्छी बात है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ऑन द लाइन मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन। कूल गेमर, हाय कूल गेमर, ओके। सो चलो कुछ क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, दो तीन क्वेश्चन ही रखे हैं मैंने इस सेशन में। जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हर चैप्टर के लास्ट में भी होता है, पर आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, सो अभी जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक पे, उस टॉपिक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट ईल वूल, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन से एनिमल से वूल नहीं मिलता, याक से, कैमल से, गोट से, या फिर वूली डॉग से। वूली डॉग यानी ऐसा डॉग जिसपे बहुत सारे बाल हों, जिसपे बहुत सारे हेयर्स हों। वूली डॉग दी, यस अभिषेक। ओ प्रिंस, प्रिंस ऑफ रोज, किसी न किसी नए, ओके कोई कोई बात नहीं, ठीक है, रोज किसी न किसी नए अकाउंट से लॉग इन करते हो। ओके अभी घुमा दिया, ठीक है, वूली डॉग, वेरी गुड सानिया, वेरी गुड अभिषेक, वूली डॉग इज द राइट आंसर। ठीक है, वूली डॉग से ही हमें वूल नहीं मिलता, यानी याक से भी हमें वूल मिलता है, कैमल से भी मिलता है, और गोट, जैसे हमने देखा कश्मीरी गोट, और कौन सी गोट दिखी थी, और कौन सी गोट दिखी थी, यस अंगोरा गोट, है ना। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अंगोरा गोट और कश्मीरी गोट, ठीक है, ये दो जो गोट्स हैं इनके नाम याद रखने हैं। ओके, अंगोरा गोट और कश्मीरी गोट, ठीक है, चलो अभी मैं क्लियर करती हूँ। और एक दूसरा और क्वेश्चन देखते हैं हम, जो है वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ स्किन, यानी वूल शीप के कहाँ, मतलब कौन से पार्ट से मिलता है, बैक से, स्किन से, हेयरी फाइबर से, या फिर नन ऑफ दिस। मैम ए, मेरे फोन का, ओके ओके प्रिंस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी स्किन, स्किन, सबने स्किन लिखा है, अमरिन, सबके आंसर्स रॉन्ग नहीं है, ठीक है अगर देखा जाए, पर एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू का सबसे मेन जो मोटो है वो ये रहता है कि सबसे अप्रोप्रिएट, ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे ऑप्शन है उसे चॉइस करना होता है हमें। यहाँ पे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन स्किन नहीं है, क्यों, क्योंकि जो वूल है, मेनली जो वूल है, वूल इज मेड फ्रॉम हेयर्स, है ना, हमने देखा था जो फाइन अंडर हेयर्स हैं उससे वूल बनाया जाता है, जो स्किन है शीप की उसे रिमूव कर दिया जाता है, इसीलिए सी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, हमेशा याद रखना अप्रोप्रिएट सबसे ज्यादा सही कौन सा है, हेयरी फाइबर्स डायरेक्टली यूज होते हैं वूल बनाने के लिए, स्किन को प्रोसेस करना पड़ेगा और तब जाके हमें वूल मिलेगी, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी, हेयरी फाइबर्स इज द राइट आंसर, इज इट ओके। थैंक यू सानिया अख्तर, थैंक यू सानिया, थैंक यू सो मच। सलोनी, हाय सलोनी, हाउ आर यू सलोनी, यस ओके, हेयर, किसने, सलोनी ने राइट आंसर दिया था, राइट ओके ओके, ठीक है, सो चलो, मतलब अभी आप सबको क्लियर हो गया कि हेयरी फाइबर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन था, यानी हेयरी फाइबर्स इज द राइट आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज हाउ डज अ वूल फाइबर कीप आर बॉडी वॉर्म, यानी कि वूल फाइबर हमारी बॉडी को वॉर्म कैसे रखता है। ओके ओके अभिषेक, नाइन्थ में है तो हमने नाइन्थ की भी क्लासेस स्टार्ट की हैं, सीबीएसई बोर्ड की नाइन्थ की भी क्लासेस रोज होती हैं, नाइन्थ की क्लासेस का टाइमिंग आई थिंक 8 to 9 और 7 to 8 है, तो आप लर्न फटाफट चैनल में, लर्न फटाफट चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वहां पे आपको कम्युनिटी टैब मिलेगा, ठीक है, कम्युनिटी टैब में आपको टाइम टेबल मिलेगा, ठीक है, वहां पे टाइम टेबल अपलोड किया है हमने, वहां पे टाइम टेबल है, टाइम टेबल में देखकर आपको पता चलेगा कि कब क्लास कौन सी, कब कौन सी क्लास होने वाली है, एज वेल एज आप जो हमारा बेल आइकन है, ठीक है, लर्न फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे अगर आप क्लिक करते हो तो जब भी हमारी जो क्लास आने वाली होती है उसके 30 मिनट्स पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, तो देर आर टू ऑप्शंस, ओके ओके, व्हाट इज दैट, प्रिंस है, जितेंद्र यानी प्रिंस है, ठीक है, सो लेट मी टेल यू, समझा जितेंद्र, ठीक है ठीक है। हाउ डज अ वूल फाइबर कीप आर बॉडी वॉर्म, तो इस क्वेश्चन में आप कैसे आंसर लिखोगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है जो वूल है वो बैड कंडक्टर है एयर का, ठीक है, दैट मीन्स दैट वूल नॉट कंडक्ट एयर, तो
तो बाहर की जो ठंडी हवा है, ठीक है, हमने सपोज वुलन स्वेटर पहना है, ये वुलन स्वेटर है और बाहर से ठंडी हवा आई, तो वो ठंडी हवा यहाँ पे जो वुलन के फाइबर्स हैं वो उसे ट्रैप कर लेंगे और हमारी बॉडी के मतलब उस हमारी बॉडी पर आने नहीं देंगे, यानी जो ठंडी हवा है वो हमारी बॉडी को डायरेक्टली टच नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वुलन फाइबर्स और जो वूल है ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यही लिखना है, जो वूल है वो एयर एयर का बैड कंडक्टर है, वूल ट्रैप्स एयर इनसाइड इट फाइबर, ठीक है, और एंड इट कीप्स आर बॉडी वार्म। ठीक है, तो ये दो तीन सेंटेंसेस में ये आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सानिया अख्तर, सानिया अख्तर अगर आप लर्न फटाफट चैनल, सॉरी लर्न फटाफट लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे तो मैं डायरेक्टली अवेलेबल हूँ, तो फिर आपको मेरे नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लर्न फटाफट लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और वहां पे इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, हम डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो वूल का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है ना। सो वूल हमें मिलता कैसे है ना, वूल कैसे मिलेगा, जब एक पर्सन शीप को ग्रो करेगा यानी उसे पालेगा है ना, तो वो प्रोसेस जो है उसे रियरिंग कहा जाता है, रियरिंग, और फिर आता है ब्रीडिंग ऑफ शीप। ब्रीडिंग तो हमने अभी देखा, तो चलो सेकेंड टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। सो शीप जो है, अब एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन जब शीप को पालता है, ठीक है, द पर्सन दैट रेज शीप या दैट रेज एन एनिमल, अ पर्सन और अ एनिमल, ओके, एनिमल्स रेज्ड फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है, कमर्शियल यूज यानी क्या, पैसे कमाने के लिए, एनिमल्स, when animals are raised for commercial use, this is called what, this process is called rearing of animals, ठीक है। so अगर कोई person sheep को पाल रहा है यानी उसे बड़ा कर रहा है, उसे grow कर रहा है, तो sheep से हमें क्या मिलेगा, उस person को sheep से wool मिलेगा, सबसे important fiber उसे मिलेगा जो है wool, फिर second most important thing उसे meat मिलेगा, ठीक है, sheep का meat, cold areas में लोग क्या करते हैं, sheep के meat को खाते हैं, सो शीप का मीट मिलेगा उसे, इसी के साथ साथ मिल्क, ठीक है, शीप का मिल्क भी लोग पीते हैं, सो शीप से मिल्क मिलेगा, उसकी स्किन, ठीक है, शीप की स्किन भी यूज होती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज वेल एज मैन्योर, यानी कि शीप का जो डंक होगा, शीप डंक इज यूज एज मैन्योर इन एग्रीकल्चर। सो शीप से हमें 5 मेन कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, इसीलिए पर्सन जब शीप को रियर करता है तो उसे इतना सारी चीजें मिलती हैं जिससे उसे पैसे मिलते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या है, शीप जो है उसकी लिवलीहुड है, ओके, शीप्स आर लिवलीहुड ऑफ सम एनिमल्स। मैम क्लास कब एंड होगी, थोड़ी देर में एंड हो जाएगी, ठीक है, सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे एंड कर देंगे, सेकंड टॉपिक थोड़ा सा ही है, छोटा सा है, ठीक है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ओके ओके ओके, ठीक है, सो शीप फार्मिंग, ठीक है, शीप फार्मिंग, शीप रियरिंग, जो पर्सन शीप को पालता है उसे शीप फार्मिंग, यानी इस जो ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन को शीप फार्मिंग और शीप रियरिंग कहा जाता है, और जो पर्सन शीप को पालता है उसे शेपर्ड कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सबको पता है, पर थोड़ा सा कभी कभी क्या है, हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए वो बेसिक चीजें याद दिलानी पड़ती है। सो शीप के जो हेयर्स हैं, जो उसका फ्लीस है, जो उसका फर है, उससे हमें वूल मिलता है, राइट, तो इसीलिए जो ये एनिमल, ये जो पर्सन है शीप को पालता है, पर शीप को पालने के लिए शेफर्ड को क्या लगता है, बहुत कम चीजें लगती है, क्यों, बिकॉज शीप आर हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स हैं, तो ये इनको टाइम टू टाइम चराने लेकर जाते हैं, अगर हम लोग हिली एरियाज में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, जम्मू में जाते हैं, लद्दाख में जाते हैं, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो पीपल आपको मिलेंगे, आपको मिलेंगे लोग शेफर्ड्स जो अपनी शीप को कहीं लेकर जाते हैं घुमाने के लिए, और वहां पे उन्हें मिलती है ग्रास या फिर प्लांट मटेरियल, ठीक है, तो शीप को ज्यादातर रहने के लिए ग्रास मटेरियल और ग्रीन मटेरियल लगता है, हर्बीवोरस हैं, साथ ही साथ ये जो शेफर्ड है ये शीप को पल्सेस, जवार, ऑयल केक्स और मिनरल्स भी फीड कराता है, क्यों,
ये सब इतनी सारी चीजें क्यों फीड करवा रहा है शीप को, ये इतनी सारी चीजें फीड करवा रहा है इसलिए, जैसे कि शीप को क्या मिले, शीप को मिले प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, है ना, शीप को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। अगर सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे शीप को तो उसकी जो वूल आएगी, यानी उससे जो हमें हेयर्स मिलेंगे, ये जो हेयर्स होंगे ये गुड क्वालिटी के होंगे, राइट। हेयर्स अगर गुड क्वालिटी के हैं तो हमारी वूल भी गुड क्वालिटी की होगी, वूल गुड क्वालिटी की है तो इस पर्सन को ज्यादा मिलेगा क्या, मनी, है ना। वूल गुड क्वालिटी की है तो इसकी जो वूल है वो ज्यादा पैसों पे बिकेगी और इसे मिलेगा मनी। इसीलिए शीप को गुड मतलब अच्छे क्वालिटी का खाना खिलाना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया इज दी थर्ड मोस्ट मतलब थर्ड रैंक पे आता है, ठीक है, इंडिया थर्ड रैंक पर आता है वूल प्रोडक्शन में, और इससे दो जो कंपनी, दो जो कंट्रीज हैं वो लीड करती हैं, आई थिंक जापान एक है, दूसरी मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया, नहीं, मैं खत्म नहीं करूंगी, ठीक है। हमारा 1 आवर का, 1 घंटे का क्लास होता है, जितना टॉपिक मैंने डिसाइड किया है उस वो खत्म करके ही मैं जाऊंगी, ठीक है, ओके। अभी क्या आपको पता है व्हाट इज ऑयल केक, क्या आपको पता है ऑयल केक क्या है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है शीप प्रोडक्शन के लिए, ओके ओके। नाउ डू यू गाइस नो दैट व्हाट इज ऑयल केक, ओके, लेट मी टेल यू, ठीक है। जो ये ऑयल केक है, ऑयल केक कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल जो ऑयल सीड्स होती हैं, अभी ऑयल सीड्स यानी ऐसी सीड्स जिससे हमें ऑयल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ली ग्राउंडनट सीड्स, ठीक है। अभी ग्राउंडनट की जो सीड्स होंगी इसमें से मैं क्या करूंगी, इन सीड्स को क्रश करूंगी, और क्रशिंग के बाद मुझे ऑयल मिलेगा। पर ये जो क्रश मटेरियल है, ठीक है, जो क्रश मटेरियल है, जो गूदा है जो बच गया है ग्राउंडनट का, जिसमें से अभी और ऑयल नहीं निकल सकता, उस मटेरियल से बनता है क्या, ऑयल केक। उस मटेरियल को हम बोलेंगे ऑयल केक या फिर ग्राउंडनट केक। ग्राउंडनट केक हो गया, सोयाबीन केक हो गया, ऐसी जो भी सीड्स हैं जिससे ऑयल बनता है उन सीड से ऑयल केक्स बनते हैं, एंड दीज ऑयल केक्स आर प्रोटीन रिच, ठीक है। ये जो ऑयल केक्स हैं ये प्रोटीन रिच होते हैं, और आपको क्या पता है जो हमारे हेयर्स हैं, ठीक है, जो हमारे हेयर्स हैं इसमें भी प्रोटीन होता है। तो जितना ज्यादा अच्छे अमाउंट में हम प्रोटीन कंज्यूम करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी के हमारे हेयर्स होंगे। सिमिलरली ऑयल केक्स अगर ज्यादा खिलाए गए शीप्स को तो उनमें प्रोटीन जो है वो अच्छा जाएगा, प्रोटीन रिच फूड खाएगी तो इसको प्रोटीन अच्छा मिलेगा, और इसकी जो वूल आएगी, इसके जो हेयर्स आएंगे वो अच्छी क्वालिटी के आएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो शेफर्ड है वो इतनी सारी चीजें, ठीक है, ग्रास खिलाता है, साथ ही साथ पल्सेस, जवार, ऑयल केक्स और मिनरल्स फीड करता है शीप को, ठीक है। अगर किसी पर्सन को शीप को पालना है तो उसे ये सब उसे खिलाना पड़ेगा। अब ठंडी के टाइम पे, ठीक है, ठंडी के टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसीलिए शेफर्ड क्या करता है, शीप्स को एक रूम में, ठीक है, रूम में बंद करके उन्हें पालता है। उस टाइम पे वो उसे बाहर नहीं लेके जाता है, क्यों, बिकॉज बाहर बहुत ठंडी है। अब रूम के अंदर ठंडियों के टाइम पे, इन कोल्ड रीजन, दिस शेफर्ड फीड दीज शीप विथ लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। इस टाइम पे, ठंडियों के टाइम पे जो शेफर्ड है वो शीप्स को क्या देता है, लीव्स, ठीक है, लीव्स देगा, ग्रेन्स यानी आपको पता है जवार, बाजरा, वीट, ये सब ग्रेन्स आएंगे, और ड्राई फॉडर, ड्राई फॉडर यानी जो सूखी घास होगी वो, ठीक है। आर यू गाइस हियर, क्या आपका क्लास पे ध्यान है, ओके। ये पर्सन शीप को पाल रहा है, शीप को रियर कर रहा है, शीप की रियरिंग कर रहा है, तो एडवांटेजेस क्या है, ये पर्सन शीप की इतनी देखभाल क्यों कर रहा है। पहली बात, शीप को पालने का रीजन ये है कि शीप्स अलग अलग इन्वायरमेंट में रह सकती है, सीवियर इन्वायरमेंट यानी बहुत ही ज्यादा डेंजर इन्वायरमेंट, डेंजर इन्वायरमेंट यानी बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा बारिश में भी शीप्स अच्छे से रह लेती है, ठीक
ठीक है, इसीलिए शीप को पालना आसान है, एज वेल एज इनको जो मैनेजमेंट है, ठीक है, केयर ज़्यादा करनी पड़ती नहीं है, बीमार कम पड़ती हैं, इसीलिए इनकी जो केयर है वो हमें कम करनी पड़ती है और इनका ज़्यादा मैनेजमेंट भी नहीं करना पड़ता, डेट्स वाई इट इज़ ईजी टू रेस शीप, ठीक है, इसीलिए शीप को पालना आसान है। इसी तरह शीप्स को रहने के लिए कम जगह लगती है, अगर आप देखोगे काउस को बफेलोस को रहने के लिए ज़्यादा स्पेस लगती है, पर शीप्स छोटी होती हैं तो इन्हें रहने के लिए जगह कम लगती है, ये एक एडवांटेज है। और शीप से इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलता है जिससे इस पर्सन को अच्छा इनकम मिलेगा। सो शीप से क्या क्या मिलता है, शीप गिव अस वूल, शीप से हमें वूल मिलेगा, मीट मिलेगा, मिल्क मिलेगा, स्किन मिलेगी उसकी और मैन्यूअर मिलेगा, ठीक है। मैन्यूअर यानी क्या, मैन्यूअर यानी ऐसा प्रोडक्ट जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है मैम। गोट, यस, गोट को भी कम स्पेस लगती है, यस, गोट को भी कम स्पेस लगती है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड जितेंद्र। जो काउस है वो बिग है, शीप स्मॉल है, उसीलिए रहने के लिए उसे कम जगह लगेगी, ठीक है, इसीलिए जो शीप्स हैं उन्हें पालना मेंटेन करना आसान है, ओके। सो ये इनकम सोर्सेस आ गई, साथ ही साथ जो ये शीप्स हैं, राइट, ये शीप फार्मर्स को हेल्प करती है अनवांटेड प्लांट्स खाने में, यानी फार्म एक ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ एक टाइप के प्लांट्स उगेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये गन्ने का खेत है तो यहाँ पे सिर्फ गन्ना उगेगा, पर कभी कभी कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जिन्हें हटाने में ये शीप फार्मर की मदद करती है, दैट्स व्हाई शीप आर इम्पोर्टेंट। एज वेल एज शीप्स की अलग अलग ब्रीड्स हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रीड्स हैं यानी उनकी अलग अलग स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल लोही जो ब्रीड है शीप की, ठीक है, नाम याद रखो, लोही, लोही जो ब्रीड है शीप की, उसकी जो क्वालिटी है वूल की वो अच्छी है, गुड क्वालिटी वूल देती है। और ये जो शीप्स है ये कहाँ पे फाउंड होती है, यानी कहाँ पे रहती है, ये शीप्स पाई जाती है राजस्थान और पंजाब में, ठीक है। एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी ब्रीड कौन सी क्वालिटी का वूल देती है और कौन से स्टेट में मिलती है, सो वैसे ही जो नाली शीप है वो मिलेगी राजस्थान हरियाणा पंजाब में, ठीक है। और इसकी जो वूल है वो यूज होती है कारपेट बनाने के लिए, ठीक है, कितना ओ यस ओके। सिमिलरली जो भाकरवाल शीप्स हैं, ठीक है, भाकरवाल जो शीप्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेट मी क्लियर माई स्क्रीन फर्स्ट। भाकरवाल जो सीड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इनसे शॉल्स बनाई जाती है, ये शॉल्स जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, और ये जो शीप्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही पाई जाती हैं। सिमिलरली मारवाड़ी एंड पतनवाड़ी जो शीप्स हैं ये गुजरात में पाई जाती हैं, और रामपुर बुशेर ब्रीड यानी एक स्पीशीज, ठीक है, एक स्पेशल टाइप जो शीप का है, रामपुर बुशेर ये ब्राउन फ्लीस यानी इसके जो हेयर्स होंगे वो ब्राउन कलर के होंगे, और ये मिलती है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सो आपको इसमें से दो तीन एग्जांपल्स याद रखना जो एग्जाम में आप अच्छे से आंसर में लिख लो, ठीक है। सो इज द टॉपिक क्लियर टू यू, ओके सानिया, वेरी गुड। अगर आपने शीप को देखा है सो इट इज गुड, और जब हम बाहर कहीं जाते हैं ना तो वहां पे हर कहीं पे, सपोज अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे देश में जाऊंगी तो वहां का एनवायरनमेंट अलग रहेगा, वहां का एनवायरनमेंट अलग रहेगा तो वहां पे जो एनिमल्स होंगे उनमें कुछ ना कुछ वैरायटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग भी देखें, हम इंडियंस और जो दूसरे दूसरी कंट्री के लोग हैं इनके रहन सहन इनमें इनके जो पहनावा है इसमें बहुत डिफरेंस होता है, वाई बिकॉज ऑफ एरिया, है ना, एरिया पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। बस थोड़ी देर में खत्म होगी सानिया, बस थोड़ी देर में, बस अभी खत्म हो ही गई है, बस हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और फिर क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने शीप ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा है ना, अगर शीप ब्रीडिंग यानी अगर हमारे पास पेरेंट्स जो है, अगर जो पेरेंट्स हैं शीप के, पेरेंट्स शीप यानी मदर फादर जो शीप हैं उनके पास गुड क्वालिटी वूल है, कोर्स वूल है, तो जो शीप का बेबी मिलेगा यानी जो हमें बेबी शीप मिलेगा या फिर ऑफस्प्रिंग मिलेगा, इस ऑफस्प्रिंग के पास भी गुड क्वालिटी वूल होगी और कोर्स भी होगी, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम शीप ब्रीडिंग कहते हैं, शीप ब्रीडिंग या फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। अगर इसको साइंटिफिकली बोलना हो तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग, वाई,
बिकॉज हम यहाँ पे पेरेंट्स के पेरेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमें ऑफस्प्रिंग जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स का मिले, है ना, जिसका पास गुड क्वालिटी हो वूल का और उसकी कोर्स वूल हो, ठीक है। सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग कौन करता है? शेफर्ड करता है। शेफर्ड क्या करता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग करता है, जिससे उसको जो शीप्स मिलती हैं आगे की जनरेशन की, वो अच्छी शीप्स मिलती हैं, ठीक है। सो अभी शीप पालने के लिए कुछ फैसिलिटीज भी लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया में पर्सन शीप पाल रहा है उस एरिया में वाटर का क्लीन और फ्रेश रिसोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एज वेल एज वहां पे ग्रास, है ना, ग्रीन जो है ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्रास होनी चाहिए, जैसे वो उन शीप्स को फीड कर पाए। सिमिलरली वहां पे मेडिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर शीप बीमार हो गई तो इसीलिए शीप की मेडिकेशन फैसिलिटी जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए? वूल ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। और मार्केटिंग फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी क्यों? फॉर एग्जाम्पल, उसे दूध बेचना है तो वो दूध बेच पाए, उसे वूल बेचना है तो वो वूल बेच पाए, मीट बेच पाए, इसीलिए उस एरिया में मार्केटिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। सो दीज आर सम रिक्वायर्ड फैसिलिटीज फॉर रेजिंग शीप और फॉर रियरिंग शीप, ठीक है। और इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर शीप्स को ग्रो किया जाता है, शीप को रेस किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, हिली एरियाज में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ग्रो किया जाता है शीप्स को, एज वेल एज प्लेन एरियाज, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भी शीप्स को ग्रो किया जाता है, यानी रियर किया जाता है, ठीक है। सो ठीक है। हाय साई कुमार गेमिंग, साई कुमार गेमिंग, ओके। हाँ, कुछ कुछ लोग, फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कुछ कुछ पर्सन क्या करते हैं, वो दो टाइप के एनिमल्स को साथ में पालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, शीप और हॉर्स दोनों को साथ में पालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ लोग काओ और बफेलो दोनों पालते हैं, काओ भी पालेंगे, बफेलो भी पालेंगे, साथ ही साथ गोट भी पालेंगे। कुछ पीपल क्या करते हैं, शीप और हॉर्स को साथ में पालेंगे, यानी एक एनिमल को तो पाल रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे एनिमल्स की भी रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है पर्सन पे, कि पर्सन किस किस को पालना चाहता है ना। हॉर्स क्यों पालते हैं लोग? हॉर्स पालते हैं बोझ ढोने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दूसरा बोझ ढोने के लिए। और हॉर्स के दूसरे भी कुछ रीजंस हैं, फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स रेसिंग के लिए भी यूज होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। सानिया, अभी तो क्लास हो ही गई है लगभग, ठीक है। सो विच आर दी एरियाज, कहाँ कहाँ, कौन से स्टेट्स में शीप को ग्रो किया जाता है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी आज का टॉपिक जो ये है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चाहें तो दो तीन क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो मुझे बताओ, ठीक है, एमसीक्यू है ये, क्वेश्चन नंबर वन है, रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस इज कॉल्ड, यानी एनिमल्स को ग्रो करना, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रो करना कमर्शियल पर्पस के लिए इसे क्या बोला जाता है? रियरिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, शियरिंग या फिर नन ऑफ दीज? बी? नहीं, बी नहीं बोलते इसको, इसको ए बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ए आएगा, रियरिंग यानी रेजिंग, जब भी आपको रेजिंग वर्ड दिखता है वहां पे राइट आंसर रियरिंग होगा। और सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी क्या? सिलेक्टिव ब्रीडिंग, अगर आपको डेफिनेशन में पेरेंट्स वर्ड दिख रहा है, ऑफस्प्रिंग वर्ड दिख रहा है, तो आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग लिखो, ठीक है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का डेफिनेशन ही ये है, टू सिलेक्ट द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स विच कैन बी ऑब्टेन इन अ ऑफस्प्रिंग, है ना। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स टू ऑब्टेन अ ऑफस्प्रिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। दैट्स व्हाई द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके ओके अभिषेक, ठीक है। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है
द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड. अब इसका आंसर अभिषेक बराबर देगा, राइट? क्या कहते हैं इसे, रियरिंग कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, शियरिंग कहते हैं, या फिर फीडिंग कहते हैं? यस, बी. वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक. ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग का डेफिनेशन क्या है. ठीक है, वहां पे सारे के सारे डोमेस्टिक एनिमल्स यानी आपको पता है जो हमें हमारी सराउंडिंग में नॉर्मली जो दिखते हैं, और सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन जो है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की है, यानी पेरेंट्स को सिलेक्ट करना और स्पेशल कैरेक्टर्स वाले ऑफस्प्रिंग को, स्पेशल कैरेक्टर्स वाले बेबी को ऑप्टेन करना, इसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. वेरी गुड गाइस. ओके, यू स्टडी इन क्लास 10 सानिया. ओके, आप 10 में स्टडी करते हो तो ठीक है, 10 की भी क्लासेस अवेलेबल हैं और आप लर्न फटाफट ऐप में देख सकते हो वहां पे इस. ओके ओके सानिया, ओके ठीक है. सो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर रियरिंग अ शीप. ठीक है, कौन सी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है शीप रियरिंग के लिए. सो पहली हमने क्या पढ़ी थी, क्या मुझे कोई बता सकता है कौन कौन सी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है? श्रुतिका, ओके, एट्थ में पढ़ते हो, एट्थ की भी क्लासेस जल्द से जल्द हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, 9 चैप्टर 3 टिश्यूज बताओ. अरे क्लास क्लास 9 की तो जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई है. ठीक है, और वो सुरजीत मैम ले रही है. ओके, हाँ तो वो सुरजीत मैम ले ही रही है क्लासेस, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो. क्लास 9 की क्लासेस जो है वो 8 to 9 होती हैं डेली, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट उनसे पूछ सकते हो. ठीक है ललित, ऑयल शेक्स, यस ठीक है, ऑयल केक्स लगेंगे उनको. वेरी गुड, यानी गुड फीडिंग मटेरियल लगेगा उसे. ठीक है, उसे लगेगा गुड फीडिंग, यानी जो उसे हम खिला रहे हैं उसे अच्छा खाना लगेगा. ठीक है, गुड क्वालिटी फूड, इसीलिए इससे अच्छा यहाँ पे सबसे बेटर लिखने के लिए क्या है, गुड क्वालिटी फूड लिखो. ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो हमारा आएगा गुड क्वालिटी फूड. वेरी गुड ग्रास, यस ठीक है अभिषेक, गुड क्वालिटी फूड लिखा तो उसमें ऑयल केक्स, पल्सेस, ग्रास सब आ जाएगा. ठीक है, साथ ही साथ उससे वाटर लगेगा, अच्छा खासा वाटर लगता है शीप को ग्रो करने के लिए. सो वाटर लगेगा, और क्या लगेगा शीप को ग्रो करने के लिए? यस, ओके सानिया. और अगर आपको मतलब डिस्काउंट चाहिए, राइट, अगर आप ऐप पे जाते हो जहाँ पे पेड लाइव क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, तो वहां पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, वहां पे अच्छा खासा डिस्काउंट है, आप एक बार जाके चेक करो. जो पर्सन है रिलायबल पर्सन उससे कॉन्टेक्ट करो और उनसे बात करो. ठीक है, ओके ओके, वाटर है, और कौन सा फैसिलिटी लगता है शीप को ग्रो करने के लिए? चलो मैं बता देती हूँ, फूड, वाटर, मेडिकेशन फैसिलिटी. ठीक है, मेडिकेशन फैसिलिटी होना चाहिए वहां पे प्रॉपरली, मेडिकेशन फैसिलिटी, एज वेल एज वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, जैसे कि वूल को हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट कर पाए, एज वेल एज वहाँ पे मार्केटिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे हम लोग दूध, मीट जो हमें मिल रहा है, जो उस पर्सन को मिल रहा है वो बेच तो पाए, इसलिए वहाँ पे प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे आपके इस आंसर के लिए. ओके 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 अभिषेक, सो दिस ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है. आज हमने दो टॉपिक्स कवर किए और उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए, एज वेल एज अगर आपको और भी ज़्यादा लाइव क्लासेस चाहिए तो आप ऐप तो ज़रूर डाउनलोड करके देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, टेस्ट है, असाइनमेंट्स हैं, और लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, एनिमेटेड वीडियो क्लिप्स हैं. और अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो मेंबरशिप प्लान को भी ज्वाइन कर सकता है. मेंबरशिप प्लान में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल हैं. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो. और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सो प्लीज़ कर दीजिए. ठीक है, ओके, सो नाउ गाइस वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड हैव अ गुड डे.